बिहार में चमकी बुखार से 145 से ज्यादा बच्चों की मौत से कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये सवाल उठना लाजमी है कि गरीब घरों के कुपोषण ग्रस्त बच्चों की मौत अधिक क्यों हुई है, मरने वालों में दलित घरों के बच्चों ही अधिक क्यों हैं? ये बिहार सरकार और पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को तो कटघरे में खड़ा करता ही है, उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है जिसमें गरीब और गरीब होते हैं। साथ ही गरीबों के राज्य या राजनीति से कोई खास सहारा नहीं मिलता है। बिहार में फैले चमकी से मरने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर के 3 ब्लॉक से है। राज्य के 40 में से 20 जिलों में फैली इस बीमारी की चपेट में 600 से अधिक बच्चे आए हैं, लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि कुपोषण बड़ा कारण है। मरने वाले बच्चों में कुपोषण की शिकार बच्चे अधिक है। साफ है कि कुपोषण की बच्चे से आसानी से रोग की चपेट में आ गए, शायद इसी कारण से कोर्ट ने कुपोषण पर भी रिपोर्ट देने को कहा था। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी स्वास्थ्य सेवा की चिंताजनक ढांचा सुविधाओं की वजह से बिहार सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश जारी किए थे। आयोग ने बिहार में चमकी बुखार की वजह से होने वाली मौतों को संज्ञान लेकर ये नोटिस जारी किया था। सवाल ये है कि ये स्थिति क्यों हुई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सुशासन बाबू कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीमारी फैलते और मौत की खबरें आने के तुरंत बाद मुजफ्फरपुर का दौरा क्यों नहीं किया? उन्होंने केंद्र सरकार और दूसरे राज्यों की मदद लेकर स्थिति पर काबू पाने की तुरंत कोशिश क्यों नहीं की? ये सवाल लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ चमकी बुखार के कारण बिहार के मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। अस्पतालों में सुविधाओं की कमी है और राज्य सरकार के स्तर पर फिलहाल जो प्रयास हुए भी है वो नाकाफी है। चमकी बुखार के चलते बिहार में अब तक 145 से अधिक मासूमों की मौत हो चुकी है। चमकी बुखार के कारण सिर्फ मुजफ्फरपुर में 132 बच्चे की मौत हो गई है, जिसमें से 111 बच्चे श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में काल के घाल में समा गए हैं। वहीं केजरीवाल अस्पताल में 21 बच्चों की मौत हो गई है। चमकी बुखार के चलते मौतों के पीछे मुख्य वजह कुपोषण और गरीबी भी बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर में मासूम बच्चों की मौत के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मिस इंडिया के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। सुशील मोदी ने मंगलवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीतने वाली राजस्थान की सुमन राव के साथ दो तस्वीर की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी तीखी आलोचना हो रही है। मिस इंडिया के साथ तस्वीर खिंचवाने को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने बीजेपी नेता को जमकर ट्रोल किया है, जिसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुशील कुमार मोदी ने सुमन राव की दो तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि पांच देश रतन मार्ग स्थित कार्यालय में फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीतने वाली राजस्थान की सुमन राव ने शिष्टाचार मुलाकात किया। सुशील मोदी के इस ट्वीट पर पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्र ने लिखा है कि कुछ पूछने पर 15 साल पहले की लालू राबड़ी शासन का हवाला देते हैं। अभी बिहार सबसे भयानक महामारी जल संकट के दौर से गुजर रहा है। गलती से बिहार के किसी विपक्षी दल के नेता ने भी ये ट्वीट की होती तो उनकी प्राथमिकता पर सवाल उठता। खुद सुशील जी गदर मचा देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। एक अन्य पत्रकार लिखते हैं कि जरूरी कामों में काफी व्यस्त है आप मुख्यमंत्री जी, शायद आपको अपडेट ले पाने का वक्त ना मिल पाया हो। बस आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में अब तक बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या 153 हो चुकी है। आज भी मुजफ्फरपुर में एक बच्चे ने तड़प कर दम तोड़ दिया है। बता दें कि फेमिना मिस इंडिया 2019 का ताज राजस्थान की सुंदरी सुमन राव के सिर सजा है। राजस्थान की रहने वाली सुमन राव ने हाल ही में मुंबई स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल इंदौर स्टेडियम में सितारों से सजी महफिल में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 का खिताब अपने नाम कर लिया। सुमन राव चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ के शिवानी जाधव ने शनिवार को ब्यूटी पेजेंट के ग्रैंड फिनाले के दौरान फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीता। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।